हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर वीडियो ऑफ ट्रैवलिंग इंजीनियर्स। आज एक थोड़ा सा डिसकंसर्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये है एक किया सेल्टोस का एक एक्सीडेंट हुआ है अभी 2-3 दिन पहले, उसके बारे में। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, गाड़ी 2 टुकड़ों में हो गई एक्चुअली। और मैंने एक वीडियो बनाया था कल जिसमें मैंने कहा था कि ये गाड़ी काट के 2 टुकड़ों में की गई है। तो पहले तो अपॉलोजीज फॉर दैट, पूरा फैक्ट चेक मैंने किया। एक्चुअली पुलिस ने रिपोर्ट जो सबमिट की है उसमें यह है कि गाड़ी एक्चुअली एक्सीडेंट से ही 2 टुकड़ों में हुई थी। तो पहला जो मेरा वीडियो था वो गलत था, उसके लिए अपॉलोजीज। दूसरा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा हुआ कैसे होगा एग्जैक्टली, और हम थोड़ी सी एक छोटी सी एनालिसिस करेंगे सेल्टोस के मेटल स्ट्रक्चर के बारे में, जो ये हाई स्टील स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, क्या उसकी कमी की वजह से ये हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ क्या था कि जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक्सीडेंट हुआ सेल्टोस का। ये HTX एनिवर्सरी एडिशन गाड़ी थी। HTX एनिवर्सरी एडिशन एक लिमिटेड एडिशन गाड़ी पिछले साल आई थी, आई थिंक इस साल 2021 के स्टार्ट में आई थी, जो अब नहीं आती, अब रेगुलर HTX वर्जन आता है। तो 5 लोग थे इस गाड़ी में, और इसमें पीछे के 3 पैसेंजर्स की डेथ हो गई, और आगे के जो 2 पैसेंजर्स हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हुआ क्या कि ये लोग हाईवे पे चल रहे थे रात में, ये छिंदवाड़ा के पास एक्सीडेंट हुआ है MP में, और एक बाइक वाला कहीं से अंधेरे से आ गया और गाड़ी डिसबैलेंस होके नीचे चली गई रोड के। वापस गाड़ी को ऊपर लाने के चक्कर में द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल, और एक डिवाइडर था, उस डिवाइडर से गाड़ी साइडवेज टकराई और 2 टुकड़ों में हो गई। तो ये हुआ था एक्सीडेंट। अब इसमें पीछे के 3 पैसेंजर्स की डेथ हो गई है, आगे शायद एयरबैग्स खुल गए हों और सीट बेल्ट की वजह से 2 पैसेंजर्स बच गए, लेकिन दोनों क्रिटिकली इंजर्ड। अब देखते हैं कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। आप SUV की बात कर रहे हैं, सेल्टोस ठीक ठाक रेंज की गाड़ी है, उसमें ऐसा कैसे हुआ होगा। तो पहली चीज़ तो है कि ये जो एनिवर्सरी एडिशन है HTX का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं था। अब जो HTX वर्जन आ रहे हैं उसमें है ये, लेकिन उसमें नहीं था। तो उससे जो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई वो शायद ना होती अगर ये फीचर उसमें होता। तो दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये जो फोटो है, इसमें लेफ्ट साइड पे इंटरनेशनल मार्केट में जो सेल्टोस बिकती है वो है, और राइट साइड पे इंडियन मार्केट के सेल्टोस है। और ये जो रेड कलर की आप बॉडी में देख रहे हैं फ्रेम, वो है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील, जो कि आप देखेंगे इंडियन मार्केट में है ही नहीं। तो किया ने अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन मार्केट में सेल्टोस लॉन्च की है उसमें कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है अल्ट्रा हाई स्टील स्ट्रेंथ। और इस अगर लास्ट फोटो में आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जहाँ पे गाड़ी ब्रेक हुई है वहीं से ये रियर व्हील के नीचे जो लाल कलर है वो मिसिंग है। तो शायद अगर जो इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड्स हैं वो इन्होंने इंडिया में भी अप्लाई किए होते तो ये गाड़ी की हालत ना हुई होती। अब अनफॉर्चुनेट है ये कि इंडिया में NCAP टेस्टिंग और ये सब टाइप की चीज़ें हैं नहीं, रेगुलेशंस हैं नहीं जो गवर्नमेंट एनफोर्स करती हो। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो फीचर देना है वो देते हैं, बहुत ही लिमिटेड रेगुलेशंस हैं। सेफ्टी के हिसाब से बहुत कुछ खास रेगुलेशंस हैं नहीं। तो अनफॉर्चुनेट है कि इतनी महंगी गाड़ी होके भी उसका ये हाल हुआ है। आई होप कि किया और ह्युंडई दोनों इसको देखेंगे और थोड़ा सीख लेंगे और अपने इंडियन कस्टमर्स की लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। अपने सब्सक्राइबर्स और अपने व्यूअर्स को मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ओवर स्पीड विल किल यू, प्लीज़ डोंट ओवर स्पीड। आप जहाँ भी जा रहे हैं थोड़ा लेट पहुँचेंगे वो चलेगा, लेकिन जान वापस नहीं आती। तो प्लीज़ डोंट ओवर स्पीड। ये एक्सीडेंट भी ओवर स्पीडिंग की वजह से ही हुआ है। जैसा पुलिस बोल रही है कि द व्हीकल वॉज एट ओवर 120 किलोमीटर्स पर आर। बिना डिवाइडर वाले हाईवे पे आप 120 की स्पीड पे चलाएंगे तो मोर चांसेस आर देयर कि आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। अपना लिमिट्स में, स्पीड लिमिट्स में गाड़ी चलाएं। स्टे सेफ एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।